देखा आपने वर्ल्ड इमोजी डे पर, यहाँ इमोजीज, यहाँ इमोजीज, यहाँ इमोजीज, यहाँ इमोजीज। हे भगवान, लगता है इमोजीज की एक्सप्रेस लगी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल जैसे सास बहू और बेटियां में लगी हुई है टीवी की दुनिया की एक्सप्रेस, यानी कि हमारी सीरियल एक्सप्रेस। प्लस के सीरियल दिल तो हैप्पी है जी में चल रही है बंदूक लीला, जहां खतरे में पड़ गई है हैप्पी की जान, क्योंकि कबीर ने हैप्पी पर गन तान रखी है। असल में कबीर को चाहिए मीनू, जिसकी जान बचाने निकली है हैप्पी, लेकिन यहां तो हैप्पी खुद ही फंस गई है। हैप्पी को गन पॉइंट पर रखकर कबीर चाहता है कि हैप्पी मीनू को उसके हवाले कर दे, लेकिन तभी वहां हीरो की तरह एंट्री मारता है रॉकी, और फिर शुरू होती है कबीर और रॉकी के बीच फाइट, और आखिरकार रॉकी हैप्पी की जान बचा लेता है। करने क्या आई थी यहाँ पे, पहले से बताओ। मैं तो बताने के लिए आई थी कि सर आपने क्या कर दिया, बट मैं खुद ही फंस गई। मैं कुछ सॉल्व करने के लिए आई थी और मैं खुद ही फंस गई हूँ, फिर मुझे मेरे हीरो ने बचाया यहाँ। तो सिर्फ एक ही किक की मैंने मेरी कमर में थोड़ा दर्द था तो मैंने बोला सिर्फ एक किक करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। एक किक में ही बचा लिया, सोचो एक किक में ही। तो ये जान बचाएगा हीरोइन की, हीरो होते ही इसलिए लड़कियों की जान बचाने के लिए बस। नहीं ऐसा नहीं है, कई बार ये हीरोइन भी बड़ी जान बचाती है। हीरोइन ने बच्चे को बचा लिया, 5 साल का बच्चा था, उसके माँ बाप बहुत खुश होंगे। बाप तो यही है, बाप तो यही है। ये झूठ है, ये झूठ है। जेड तुम बस कैमरा ऑन कर दो। मैं प्रो हूँ, जिसकी जो प्रॉब्लम है प्लीज कम टू मी। अच्छा तो मैं आपको पूरा किस्सा विस्तार से बताती हूँ कि क्या हुआ था। एक्चुअली मैं यहाँ नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में आई, और यहाँ पे ज्योति और कबीर सर, यहाँ उनका ऑफिस है, और ज्योति से मैं बोलती हूँ कि कबीर सर ने ऐसा क्यों किया, कि ज्योति मुझे बताती है कबीर सर ने नहीं बताने दिया रॉकी को कि हनी जो है वो प्रॉब्लम में है, उसी के पास बॉम्ब है। तो मैं भी शॉक्ड हो जाती हूँ, बट कबीर सर जैसे कुमार कबीर हैप्पी और हनी इज सच अ डिफिकल्ट नेम, यू नो सब राइम होते हैं। तो मैं आपको बता रही थी, समझ नहीं आता किसी को ना। आई नो आप हमारी दुविधा समझ सकते हैं, बट हम लोग को डायलॉग्स एकदम एप्ट देने पड़ते हैं। तो फिर कैरिंग ऑन फॉरवर्ड, तो कब जो कुमार सर हैं वो बताते हैं कि आप परेशान मत हो, मुझे थोड़ा सा काम करवा देते हैं। मेरी मम्मी का फ़ोन आता है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा कॉरिडोर की तरफ निकलती हूँ नेटवर्क लेने के लिए, तो वहाँ से कबीर आता है। कबीर को एक्चुअली जो अपने यहाँ पे बांध के रखा हुआ है वो कुमार सर ने रखा हुआ है, तो कुमार सर कबीर को छोड़ देते हैं एक्चुअली, तो वो अभी बाद में रिवील होगा। मैंने आपको क्या ज़्यादा डिस्क्लोज कर दिया? नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। तो मैं बताती हूँ, फिर जो कबीर है, कबीर मुझे गन पॉइंट पे ऐसे पकड़ लेता है कि आप मीनू को छोड़ो, तभी मैं हैप्पी को छोड़ूंगा। तो बस वही हाथापाई चल रही होती है, और वो नहीं छोड़ता है मुझे, तो रॉकी आता है और रॉकी उसको गन पॉइंट से मारने की कोशिश करता है और मुझे बचा लेता है। ये फाइनली, बाकी आप देखिएगा टीवी पर।